बस आज मैं समाजवादी पार्टी से उस समाजवादी पार्टी को जिसको मैंने 33 साल तक जिसको आत्मसात किया, जिसके साथ मैं निष्ठा के साथ खड़ा रहा, आज वह समाजवादी पार्टी अफजाल अंसारी के हाथों में चली गई है और सारे निर्णय सिर्फ गाजीपुर ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के सारे निर्णय में आज अफजाल अंसारी के बिल्कुल सहारे या समाजवादी पार्टी। इसका उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि मुन्ना बजरंगी का जो जेलों में जेल के अंदर जो हत्या हुई थी, उस हत्या को जितना गंभीरता से समाजवादी पार्टी ने उठाया, उतना मैं समझता हूँ कि अपने कार्यकर्ताओं का अगर उतना सम्मान किया होता। एक तरफ मेरा परिवार था, मेरा भाई जिनको उत्तर प्रदेश सरकार ने द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नामित किया, उस परिवार का मैं सदस्य हूँ। मेरे बड़े भाई के मौत के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संतना के एक शब्द नहीं कहा और माननीय मुलायम सिंह जी जब नेता थे समाजवादी पार्टी के, मेरी माँ के डेथ करने पर वह हमारे घर तक आए हुए थे। तो आज समाजवादी पार्टी में न तो कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान है, न तो उनकी कोई प्रतिष्ठा है। आज समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों के बीच फंसी हुई है जो सिर्फ उनकी प्रशंसा में लगे हुए हैं, जो उनको सिर्फ जनता का नेता बना रहे हैं, जबकि सत्य यह है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से भटक गई है। अभी आपने कहा था कि अब्बास अंसारी अखिलेश तत्काल में थे लेकिन बाकी सांसद विधायक और उनके कार्यकर्ता जो है वही इंतजार और जय अखिलेश करते रह रहे हैं। यह तो बड़ा मज़ेदार आपने जो सवाल पूछा, मेरे आँख के सामने मैं ही नहीं था, उत्तर प्रदेश के तमाम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंत्री, पूर्व सांसद हफ्तों से धक्का खा रहे थे। लेकिन जब अब्बास अंसारी की गाड़ी समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर आने से ठीक पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सिक्योरिटी अफसर उस गाड़ी को ब्रेक न लगे गेट के पास सीधे लेकर कैंपस के सामने आता है और अब्बास अंसारी सीधे अखिलेश जी के कमरे में जाते हैं और 15 मिनट तक वार्ता करने के बाद वह निकल कर आते हैं और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हफ्तों से वहां पर उनका एक दीदार करने के लिए रुके हुए हैं, अपनी बात करने के लिए, उनके लिए उनके पास समय नहीं है। पता नहीं किस इसी का परिणाम था जो अब्बास अंसारी ने जो मऊ में जो अधिकारियों को कहा था कि 6 महीने तक इनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं चाहिए, इनका पहले हिसाब होगा। या मुझे लगता है कि यह आपस के जो केमिस्ट्री है इनकी, जो आपस की इनकी मुलाकात है, इस मुलाकात के बल पर ही वह कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में सरकार आती तो निश्चित रूप से यही हुआ होता, जो मुझे लग रहा है। अब क्या लगता है सर, आप समाजवादी छोड़े हैं, क्या लगता है कौन सा? अभी मैं किसी भी पार्टी में मैंने किसी भी नेता से कोई बात नहीं की है। मेरे पास काम करने के बहुत हैं, सामाजिक भी चीज़ें हैं, जैसे कि ललित उपाध्याय से लेकर राजकुमार पाल तक एक स्टेडियम है, उसी स्टेडियम के माध्यम से लगभग मेरे बड़े भाई तेज बहादुर सिंह ने लगभग 1000 लड़कों को नौकरियां दी हैं। कई इंटरनेशनल आज भी 2-3 खिलाड़ी जो है वह राष्ट्रीय हॉकी के सदस्य हैं और आज भी पूर्वांचल चैंपियन है हमारी टीम जो है वीर बहादुर सिंह के नाम से। तो हमारे पास सामाजिक दायित्व के बहुत सारे काम हैं, उस काम को करता रहूँगा। और मुझे जिस दिन महसूस हुआ और किसी पार्टी ने जब सम्मान देने की बात करेगी तो फिर मैं विचार करूँगा कि मुझे कहाँ जाना है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि राधे मोहन सिंह बीजेपी में जा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में जाना एक सही बात एक सौभाग्य का विषय है। आज भारतीय जनता पार्टी में एक लंबी कतार है, तो मेरा अभी कोई उन लोगों से भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से हमारी कोई बात नहीं हुई है, तो मैं इस आधार पर कह सकता हूं कि पता नहीं उनके चयन का क्या आधार होगा, किसको वह लेना चाहेंगे। हम लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, सिर्फ अपने पास एक थाती है कि जिस दल में रहो, जिसके साथ रहो, ईमानदारी के साथ उसके साथ जियो, उसको आत्मसात कर लो। जब तक मैं समाजवादी पार्टी में था समाजवादी पार्टी की तरह मैंने जिया, आज जब मैं नहीं हूं तब भी मैं सामाजिक कार्यों को इसी स्तर पर मैं बढ़ाते रहूंगा। राधे मोहन सिंह जी, आप 30 साल रहे समाजवादी पार्टी में, अखिलेश यादव जी का भी आपने मुख्यमंत्री का देखा और योगी जी का भी देखा,
बाबा के नाम से लोग जान रहे हैं, किसकी नीतियां ज्यादा अच्छी लगती हैं? देखिए, अखिलेश जी के कार्यकाल को जब हम लोग समाजवादी पार्टी में थे तो अखिलेश जी के जो डेवलपमेंट के जो कार्य थे या आखिरी के सालों में जो उनके दो साल बचे हुए थे, जो लॉ एंड ऑर्डर की जो बातें होती थी, उस लॉ एंड ऑर्डर से हम लोग बहुत सेटिस्फाइड थे। यह नहीं था कि हम लोगों को कहीं कोई दिक्कत महसूस हो रही थी। और रही जो बातें जो है, वह मुख्यमंत्रित्व काल के बाद इन्होंने जिस तरह से पार्टी को चलाया वह बेहद ही निराशाजनक रही। इन्होंने पार्टी को जिस तरह से उससे संघर्ष करना था, पार्टी को जिस तरह पार्टी को लेकर चलना था, उसको हमने देखा कि इन्होंने बिल्कुल समाजवाद के जो विचार को, डॉक्टर लोहिया का जो विचार था, जो नेताजी का विचार था, यह विचार दूर दूर तक आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के अंदर नहीं। आज की डेट में मैं समाजवादी पार्टी में नहीं हूँ और मैं किसी दल में नहीं हूँ, ना तो मैं वोटर हूँ। चुनाव में भूमिका रहेगी सर? कोई भूमिका नहीं रहेगी। प्रणाम भैया।